एम्पलीफायर आईसी, ठीक है, ये है आपकी 16 बॉल की स्पीकर एम्पलीफायर आईसी, ये आपको मैंने नोट करवाई है। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं इनपुट आउटपुट की, तो देखिए ये है इनपुट वोल्टेज, मतलब हर आईसी में एक इनपुट वोल्टेज आते हैं, तो अब हम इस आईसी में इनपुट वोल्टेज ढूंढते हैं, तो ये हमारा इनपुट जो वोल्टेज आ रहा है, ये आ रहा है, ये देखिए ये इनपुट, ये हो गया हमारा इनपुट वोल्टेज, ये हो गया हमारा इनपुट वोल्टेज पहला, तो पहला हमारा क्लियर हो गया। दूसरा अब हमको यहाँ ढूंढना है आउटपुट वोल्टेज, तो भैया आउटपुट कहाँ से निकल रहा है, मतलब आउटपुट लाइन जो भी इसकी आउटपुट सप्लाई है, तो ये इसका आउटपुट सप्लाई ये है, ये इसके आउटपुट सप्लाई ये है, यहाँ पर इसको वोल्टेज मिलते हैं 2.8 वोल्टेज, ठीक है। और अगर तीसरा हमको ढूंढना है कमांड, अब कमांड में देखना है कि इसमें आई टू सी है क्या, नहीं है तो फिर क्या कमांड दी जा रही है, कमांड तो होनी चाहिए ना कुछ फ्रिक्वेंसी तो होनी चाहिए ना उसको, तो कमांड में क्या कमांड दी जा रही है, तो यहाँ पे कमांड में हम देखेंगे, तो इंपॉर्टेंट ये चीज देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर ये A1 और A2 इसका ऑडियो फ्रिक्वेंसी का कमांड है, मतलब यहाँ से इसको ऑडियो फ्रिक्वेंसी, मतलब ऑडियो फ्रिक्वेंसी, ये ऑडियो वाली चीज से इसको फ्रिक्वेंसी मिल रही है, ठीक है। और ये यहाँ पे इसको ईएन सिग्नल मिल रहा है, ईएन सिग्नल, ईएन सिग्नल ये हमारा, ये यहाँ का सेकेंडरी, मैं इसको हटा देता हूँ, ये देखिए ईएन सिग्नल हमारा यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिव वोल्टेज है, सेकेंडरी एक्टिव वोल्टेज है। अब हमको यहाँ पे ढूंढना है ग्राउंड और आउटसाइड रेफरेंस कैपेसिटर, तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारा ग्राउंड, ये देखिएगा यहाँ पर, तो ये हमारा ग्राउंड है रेफरेंस कैपेसिटर जो इस आईसी को फिल्टर कर रहा है, और ये हमारा ग्राउंड है, तो बेसिकली इसमें सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है इस आईसी में, ठीक है। हर आईसी में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी, तो मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट, ये सप्लाई, ठीक है, ये हो गई आपकी कमांड। अब क्योंकि ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी है, ये आ रही है पावर आईसी टू आपका, ये आएगी आपकी स्पीकर आईसी सप्लाई, ठीक है। और ये आपको आ रहा है ईएन सिग्नल, ईएन सिग्नल कमांड, और ये आपका हो रहा है ग्राउंड, और ये आपका हो रहा है आउटसाइड कैपेसिटर। बेसिकली एक दो तीन, ये आपका चार, ये आपका पांच, और ये आपका छह, ठीक है। और इसमें एक चीज और बता रहा हूं, ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ये इसके एनसी हैं इस तरह से, ठीक है, एनसी है, इसका कोई भी कुछ रोल काल नहीं है। देखिएगा यहां पर एक छोटी सी आईसी लगी हुई है, अभी आईसी कौन सी आईसी है थोड़ा इसको हम डिटेलिंग करेंगे। यहाँ पर आपको एक मोटर आईसी लगी है, देखो ये मोटर मतलब आपको एक मोटर मतलब वाइब्रेटर आईसी है, ये आपकी वाइब्रेटर आईसी लगी हुई है U20U2103। पहले ये आईसी को ढूंढते हैं अपन, U2013 आई थिंक, देख लेते हैं मैंने गलत पढ़ लिया क्या, U21103 है, तो यहाँ पर जाते हैं 21, देखो ये आ गई आईसी, तो देखो ये आईसी यहाँ पर एक छोटी सी आईसी लगी हुई है इस फोन में, यहाँ पर मतलब आपको वाइब्रेटर आईसी लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है भाई ये आईसी अगर शॉर्ट हो जाए तो आपका सेट वाइब्रेट पर आ जाएगा, तो ये फॉल्ट भी आपका हो सकता है। अब इस आईसी में क्या क्या चीज दिया हुआ है, तो देखो तो इस आईसी में यहाँ पर दिया हुआ है ये आपकी इनपुट वोल्टेज है, इनपुट जो कि 4 वोल्टेज आ रहे हैं, और ये आपका बीपीएच, बीपीएच सप्लाई, ठीक है, ये आईसी को आपको ग्राउंड किया गया हुआ है, ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, ये इस आईसी पर ईएन सिग्नल भेजा जा रहा है, ये वाला ईएन सिग्नल है आपका,
ईएन सिग्नल, कब हमें एक्टिव करना है, और ये आउटपुट है, और इस पर हमको जो वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा 3 से 4.2 वोल्टेज, ना रखिएगा 3 से 4.2 वोल्टेज हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा इसका। तो इसका फोटो खींच के रख लीजिए अभी आप लोग, सब लोग फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट खींच लो मेरे भाई, यहाँ पर ये इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए सब लोग, इंपॉर्टेंट है। वाइब्रेटर आईसी अगर आपको मिले, चार लेग की एलडीओ सेक्शन टाइप का कुछ वाइब्रेटर आईसी है जो आपको दिख जाएगा, नोज कट पॉइंट से आप 1, 2, 3, 4 कर लेना। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि इस आईसी में ये जो आ रहा है सप्लाई, देखिएगा ये जो मोटर ड्राइव की सप्लाई है ये कहां से आ रही है। अब देखो इसका सिग्नल कहता है ये कि ये जा रही है, पर यहाँ पर ईएन आते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, तो ये उसको अपन थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस सप्लाई को ढूंढ रहे हैं कि ये सप्लाई कहाँ जा रही है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट टूल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट टूल पे जाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाके इसको लिख देंगे। अब हैंड टूल कर लेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो देखो ये आपका मोटर ड्राइव कहां से निकल रहा है, तो देखते हैं, ये आपका सीपीयू से निकल रहा है, मतलब ईएन सिग्नल है, और आपको तो पता ही है कि ईएन सिग्नल सीपीयू से ही आते हैं मोस्टली 99%। तो ये जो आपका U1101 है ये आपका सीपीयू है, ध्यान रखिएगा, ये U1101 है ये आपका सीपीयू है, ये देखिए ये आपका सीपीयू आईसी है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप वाइब्रेटर ऑन करते हो तो आप हो, मतलब आप यूजर हो, यूजर ऑलवेज सीपीयू होता है हमारा, हम अपने फोन के सीपीयू है, क्योंकि हम डिस्प्ले में हम चाह रहे हैं कि क्या आदेश देना है। तो जैसे हम डिस्प्ले को वाइब्रेटर ऑन करते हैं तो यहाँ से जो वोल्टेज आता है वो वोल्टेज होता है 1.8, ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज सब लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पे 4 वोल्टेज और यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो होता है इतना वोल्टेज, ठीक है, तो वोल्टेज आपका आउटपुट वोल्टेज है, कई बार इसके बीच में 3.3 भी वोल्टेज देखा गया है। अब मान लीजिए ये आईसी अंदर से शॉर्ट हो जाती है, तो भाई ये शॉर्ट होगी और तो हो सकता है कि वाइब्रेट पर आपका सेट आ सकता है, या तो ये भी हो सकता है ये बीपीएच लाइन इसकी, ये कैपेसिटर की वजह से पूरी बीपीएच लाइन आपकी शॉर्ट हो जाए, तो ये भी फंडा इसका हो सकता है। तो ये वाइब्रेटर आईसी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसके साथ लगा हुआ है आईसीओ में। हमें डिस्प्ले कनेक्टर पर जाना है, फिलहाल तो हमारा टारगेट डिस्प्ले कनेक्टर है। देखो यहाँ पर प्राइमरी, ये आपकी माइक की सप्लाई है, ये माइक की सप्लाई है और ये माइक की सप्लाई आपको यहाँ पे दी हुई है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये माइक की सप्लाई है। हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, माइक में जो आपका पॉजिटिव होता है, जो पॉजिटिव होता है उस सप्लाई पर है ना, एक आपको ये आपका पीएमआईसी है, ये आपकी पीएमआईसी है, वहां से आपको एक रजिस्टर के थ्रू आपके पी पर एक 1.8 वोल्टेज आपको भेजा जाता है, और इसी को हम बोलते हैं बायस की सप्लाई, इसी को हम बोलते हैं बायस की सप्लाई। तो जो पॉजिटिव होता है वो भी एक तरह का ऑडियो फ्रिक्वेंसी होती है, पर इसको जो वोल्टेज मिलते हैं ना वो इस सप्लाई से मिलते हैं, ये वाली सप्लाई से मिलते हैं। तो अगर ये रजिस्टर आपका ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ रीडिंग आएगी पर वोल्टेज नहीं आएगा, पर हमको क्या चाहिए, रीडिंग प्लस वोल्टेज चाहिए, तो हमको ये रजिस्टर ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो फिर पीएम पे काम करना पड़ेगा। ये देखिए ये वही ऑडियो आईसी, ये आपका रिसीवर आईसी, अच्छा देखो एक चीज और बता रहा हूं, ये देखो रिसीवर आईसी में बता रहा हूं मैं, इसलिए क्योंकि मैं जब सैमसंग का एक सेट उठाऊंगा अभी यहां पर M40, तो उसमें रिसीवर आईसी भी लगी है, यहाँ पर रिसीवर आईसी नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको चेक करें कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है, तो भैया इसमें ये दो डायोड पैलर, दो कैपेसिटर पैलर, एक एनसी,
ये वाला कैपेसिटर एनसी है, अब देखो, और ये दो रजिस्टर सीरीज में है, ठीक है, ये सब कुछ उसके आसपास ही लगा होगा। अब मसले के तौर पे अगर मुझे ये ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर R2101, ये देखिए, तो ये देखिए यहां पर मुझे ये मिल जाता है, ये देखो ये रिसीवर के जस्ट नीचे ये रिसीवर हो गया, और इसके जस्ट नीचे ये सप्लाई आपकी ये लगी हुई है, ठीक है। थोड़ा सा नोटिस करेंगे आप एक चीज, ये देखो कंपोनेंट बिल्कुल वैसे लगे हुए हैं, मैंने बोला ना कि पीसीबी देखने का नजरिया बदलना है हमको, तो मेरे भाई ये दो डायोड लगे हैं, ये एनसी वाला कैपेसिटर है हमारा, ये दो पैरेलल में कैपेसिटर, और ये दो सीरीज में रजिस्टर, अब ये सप्लाई लाइन कहां से आ रही है, तो क्या कोई ऑडियो आईसी लगी है या पावर आईसी से आ रही है, तो उसको कैसे ढूंढे, तो यहां पर राइट क्लिक सिलेक्ट टूल सिलेक्ट करेंगे, यहां जाएंगे, ठीक है, फिर हैंड टूल पे वापस आ जाएंगे, हैंड टूल क्यों, खिसकाने के लिए, ठीक है, क्योंकि सिलेक्ट टूल करेंगे तो खिसकेगा नहीं, वो हैंड टूल पे खिसकाने के लिए। नेक्स्ट, ये देखो यहां पे जूम हो गया, नेक्स्ट, ये देखो यहां से आ रही है ईआरपी, और ये कौन सी आईसी है, ऊपर करेंगे तो ये है पीएम, मेन पीएम आईसी है, जो कि प्लस ऑडियो भी है आपका, नेक्स्ट पन्ना देखते हैं, देखिए यहां पर अब क्या लगा हुआ है, ये कौन कौन सी आईसी है, क्या सप्लाई है, इसके बारे में डिटेलिंग करते हैं। यहां पर ये आपका ईयरफोन जैक की सप्लाई है, ईयरफोन जैक मतलब ये हो गया आपका, ये हो गया आपका माइक का, ईयरफोन में जो माइक का कनेक्शन है, ये एफएम का एक सिग्नल, ये कईयों में होता है कईयों में नहीं होता, ये डिडक्शन, यहाँ पर 1.8 वोल्टेज आते हैं आफ्टर इंसर्टिंग आपका ईयरफोन, ये एल और ये आर रिसीवर लेफ्ट राइट वाला, ठीक है, जो भी फॉल्ट आता है वो बेसिकली डिडक्शन के पॉइंट में सबसे ज्यादा आता है, जिसकी वजह से हैंगोंग लोगो आ जाता है। ये आप बिल्कुल इसको ढूंढ सकते हैं कि कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा है, जितना आप ढूंढेंगे आपको पता चलेगा, आपका नॉलेज वैसे ही बढ़ेगा, पता चलेगा कि किस आईसी में जा रहा है किस आईसी में नहीं जा रहा है। अब बाजू में क्या है, ये उसकी आगे की सप्लाई बता रहा है, वो इसी की आगे की सप्लाई बता रहा है ऑडियो जैक, ये देखो यहां से अगर आप थोड़ा ये चीज नोटिस करोगे तो ये L1 फिर ये L1 यहां से, ER1 यहां से, और ये डिडक्शन यहां से, मतलब आप इसको अगर ढूंढोगे ना तो आपको ये चीज यहां आ जाएगी वापस, ठीक है। ये माइक की, ये उसके माइक की सप्लाई एंटीना की सेम चीज, अब ये देखो एक आईसी लगी हुई है, ये आपकी आईसी जो लगी हुई है ये हेडफोन रिसीवर आईसी, हेडफोन आईसी आपकी, अब ये आईसी किधर है, तो ये आईसी को हम ढूंढेंगे, ये है U2201, हम यहां पे जाएंगे और लिखेंगे U22, ये हमारे है ना हेडफोन के आसपास ही लगी होगी वन, तो देखो ये आईसी यहां लगी हुई है, और हेडफोन अगर हम देखेंगे कि हमारा किधर है, तो देखो ये हेडफोन है हमारा, थोड़ा सा नोटिस करोगे तो ये देखो इसी के पास में लगी हुई है, ये इसके पूरे कंपोनेंट ये लगे हुए हैं, तो ये जो आईसी है ये आपकी हेडफोन आईसी है, ये सप्लाई यहां से जा रही है, ये सप्लाई यहां से जा रही है, ये सप्लाई यहां पे आ रही है, ये इनपुट हो रही है,
ये देखो हर आईसी में मेरे भाई याद रखना एक इनपुट होता है, एक ग्राउंड होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी इस हेडफोन आईसी में, मान लो अभी हेडफोन आईसी में काम ही नहीं कर रहा है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि इसको बीपीएच की लाइन नहीं मिल रही हो। हाँ, ये इसकी सप्लाई है जो यहाँ से इनको इनपुट हो रही है, और यहाँ पर ये इसकी आउटपुट की सप्लाई की लाइन है। उसका एक क्वेश्चन था सर, पूछो। इसमें जैसे हेडफोन आईसी दे रखी है अलग से, और वायदा में कभी किसी मॉडल में हेडफोन कनेक्ट आ गया तो जैसे कि कुछ मॉडलों में पीएम में दे रखी होती है तो बिल्कुल उसमें पीएम में काम करना पड़ता है, और इसका जो पार्टीशन अलग जैसे आईसी में दे रखा है तो हमें इसमें काम करना पड़ेगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। और पता है ये कैसे, ये मैं आपको, देखो बहुत अच्छा सवाल है। आप जैसे कि पिंकेश ने, रिंकेश ने, सॉरी रिंकेश सही रहा ना नाम लिया, जी सर, रिंकेश, रिंकेश ठीक ने, है अब सर। रिंकेश ने जैसे पूछा, देखो इसको ट्रेस कैसे करेंगे, कहने, देखो मान लीजिए ये आपका 1.8 का डिडक्शन का पॉइंट है। अब आपको ये पता करना है कि भाई ये पावर में जा रही है कि किधर जा रही है। तो अगर आप इसको ट्रेस करोगे तो मे बी, अगर मैं इसका कॉम्पोनेंट भी ढूंढूंगा ना, तो मुझे इस आईसी के पास में मिलेगा। और मान लीजिए अगर इसके पास कोई सी भी आईसी नहीं है आगे पीछे दूर दूर तक, तो फिर मैं ये समझूंगा कि ये पावर के अंदर गई हुई है पूरी की पूरी, है ना। क्योंकि हमें यस पता यस सर, करना कि आईसी के जो इनपुट आउटपुट की सप्लाई होती है वो उसी के पास में होती है, उसी के पास होती है। जैसा रिसीवर के कॉम्पोनेंट उसके पास में होते हैं, वैसे ही आईसी के भी कॉम्पोनेंट उसके पास में ही होंगे। तो अगर यहाँ पर कोई भी आईसी नहीं होती फॉर एग्जाम्पल, तो ये इसका मतलब ये है कि पीएम पे काम करना पड़ता। पर अगर ये छोटी सी आईसी है तो इसका मतलब यहाँ पर हमको इस आईसी पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। जी अब ये वाली आईसी का डायग्राम, ये वाली आईसी का स्क्रीनशॉट खींचिए सब लोग, ये वाली आईसी का स्क्रीनशॉट खींचिए और इस वाली आईसी का स्क्रीनशॉट से इसको समझिए। और ये डायग्राम जो है ये 5A का डायग्राम है, इसलिए मैंने ये डायग्राम लिया। पहले एक सरल डायग्राम लेता हूँ, उसके बाद मैं इसके बड़ा डायग्राम यूज करूंगा, ठीक है। तो ये आई होप आपने ये खींच लिया होगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर।